बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं बहुत भावुक हो गया था उस आवरण को देख करके। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जीवंत सामने खड़ी है, और पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो उन्हें सम्मान दिया है, जो श्रद्धांजलि दी है, ये सबके हृदय पर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ेगा। संस्कृति की संवाहक के रूप में माँ शारदा जी जो हैं वो हमेशा देखी जाती थी, अपनी संस्कृति का परचम लहराने वाली थी। आवरण बना करके इस बात को और पुख्ता कर दिया डिपार्टमेंट ने, तो मुझे बहुत गर्व हुआ है यहाँ आकर के, और मैं आंतरिक रूप से माँ की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। अभी लगातार ऐसा फील होता था कि माँ बहुत जल्द साथ छोड़कर चली जाएंगी। बिल्कुल नहीं, हर बार की तरह लगता था कि इस बार भी लौट जाएंगे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा युवा पीढ़ी को। उनको ये देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी अश्लीलता की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। उस अश्लीलता अश्लीलता का माला जपते रहने से और वैसे ही गाने गाते रहने से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे, और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पटना के ज्ञान भवन में डाक विभाग की तरफ से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और इस महिलाओं के नाम रखा गया है, और कहा गया है कि इस पूरे कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण के केंद्र में रखते हुए आयोजित किया गया है। और हमारे साथ इस बिंदु पर बातचीत करने के लिए माँ शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चूंकि वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनका एहसास खत्म ना हो, इसके लिए अंशुमान सिन्हा जी को इन्वाइट किया गया है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा अनुभव आज का आपका, ये इस कार्यक्रम का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं बहुत भावुक हो गया था उस आवरण को देख करके। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जीवंत सामने खड़ी है, और पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो उन्हें सम्मान दिया है, जो श्रद्धांजलि दी है, ये सबके हृदय पर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरे समाज पे इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने ऐसा काम करके एक बहुत पुनीत कार्य किया है, क्योंकि संस्कृति की संवाहक के रूप में माँ शारदा जी जो हैं वो हमेशा देखी जाती थी, अपनी संस्कृति का परचम लहराने वाली थी, और एक आवरण बना करके इस बात को और पुख्ता कर दिया डिपार्टमेंट ने, तो मुझे बहुत गर्व हुआ है यहाँ आकर के, और मैं आंतरिक रूप से माँ की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। अनिल जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर शारदा जी होती तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में वो आती। हाँ, मुझे याद है अनिल जी का फोन आया था, और मैं ही बात करता था हर कार्यक्रम के लिए, तो मैंने उनको उस समय कहा था कि अस्वस्थता चल रही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आ पाएंगी, पर अगर जरा भी वो ठीक हुई तो निश्चित है कि वो आएंगी, और वो आते ही थे पिछले दोनों हाल बार में। आई थी। दो वीडियो शेयर किया, एक वीडियो की जिक्र बहुत ज्यादा हुई, दूसरी वीडियो ये कि माता जी किसी परिजन की शादी में गई हुई थी, वहां शहनाई वादक जो है वो अमुआ महुआ बजा रहा था, आप उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं और माता जी सुर में सुर मिलाने लगती हैं। तो माँ सच में बहुत जिज्ञासु थी, उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत जिज्ञासा वाली व्यक्तित्व थी, बहुत उत्सव धर्मिता से जीने वाली व्यक्तित्व थी। उस शादी में जब वो गई थी, तो वो ऐसे ही हम लोग चल के जा रहे थे वहां से, और जैसे ही मेरा धुन पे मेरे मेरा ध्यान गया, मैंने कहा ये तो मम्मी के स्वागत में बजाया जा रहा है, तो मैंने उनको जैसे ही वो दिखाया कि वो तुरंत वो उसको 4 लाइन गुनगुनाने भी लगी, और वहीं पे उसे नेक भी दिया, और वो ऐसी ही थी। कहीं गांव, अगर हम गांव भी जा रहे होते थे, रास्ते में कभी कभी कोई फ्लूट बजाते हुए जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो गाड़ी रोक करके उससे 2 मिनट सुन करके, और तब जाती थी। उनको लोक धुनों से बहुत प्यार था। अंशुमन जी, कभी लगातार ऐसा फील होता था कि माँ बहुत जल्द साथ छोड़कर चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं, हर बार की तरह लगता था कि इस बार भी लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कितना मिस करते हैं आप माँ को, और साथ ही पिताजी का भी 1 महीने जाना और तुरंत माताजी का गुजर जाना कितना पीड़ादायक है। बहुत कठिन है हम लोगों के लिए, हम जो घर के लोग हैं, अभी हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये चीज़ कि अचानक पूरा घर खाली हो गया है। माता पिता का होना सिर्फ दो व्यक्ति का नहीं होना है, वो समझिए कि पूरी छांव उन्हीं की वजह से थी, पूरा वटवृक्ष जो था वो दोनों हमारे वटवृक्ष थे। अब जब वो नहीं है तो उनकी स्मृतियां इतनी ज्यादा जीवंत हैं, फिर भी हमेशा लगता रहता है जैसे कि हमारे आसपास ही। अभी मैं मंच पर भी महसूस कर रहा था जैसे माँ आसपास में बैठी हैं कहीं। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको माँ शारदे से क्या कुछ सीख लेनी चाहिए? उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा युवा पीढ़ी को। उनको ये देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी अश्लीलता की तरफ कदम नहीं बढ़ाना, उसके लिए उसके अगेंस्ट हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाया। आज के गाने वाले जितने भी युवा पीढ़ी के गायक हैं, वो लड़के हों लड़कियां हों,
इन सबको अभी क्या है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया, और उससे भी बड़ी चुनौती है फेमस होने की होड़, जिसके चलते कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अश्लीलता अश्लीलता का माला जपते रहने से और वैसे ही गाने गाते रहने से काम नहीं चलेगा। सच में अगर उससे लड़ना है तो वाकई ऐसे, मतलब आप बुराई को तभी खत्म कर सकते जब आप अच्छाई से भर दो। आप बुराई का गला काट नहीं सकते कभी भी, क्योंकि वो तो रक्त बीज की तरह बढ़ता रहता है। तो हमारा धर्म यही है कि हम माँ से ये प्रेरणा लेकर अच्छी चीज़ों का निरूपण करें, अच्छी चीज़ों को आगे प्रोलिफरेट करें सोसाइटी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशुमान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे माँ शारदा के पुत्र अंशुमान सिन्हा जी। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।